नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वाघेला फिर से आपके साथ हूँ। दोस्तों अभी हम लोग आप देख पा रहे हो पूरा जो सेटअप है उसमें मैंने दो LC500 यूज़ किया है। पीछे से मैंने रेड कलर दिया है, आगे से मैंने ब्लू कलर दिया है और पीछे एक M1 मतलब कि गोडॉक्स की मैंने तीन लाइट यहाँ पे जो है रेडी की है। और तीनों लाइट के साथ साथ आप देख सकते हो कि जो मेरा जो ब्राइडल लुक है वो भी रेडी है। अब मैं यहाँ पर जो लेंस यूज़ करने वाला हूँ वो है मेरा काल जायस का मतलब के बाटीस का 85mm 1.8 का एक लेंस यूज़ होने वाला है और इसमें हम लोग जो है पूरा शूट करने वाले हैं, ठीक है। और जो कैमरा यूज़ हो रहा है वो सोनी है, सोनी। और उसके अलावा तीन चार चीज़ें जो है हम लोग प्रोडक्ट में यूज़ करने वाले, एक हम लोग यूज़ करने वाला है क्रिस्टल, क्रिस्टल के ऊपर हम लोग शूट करेंगे नंबर वन। फिर एक छोटा सा किचन मुझे कहीं से मिला है जो मैं कई बार प्री वेडिंग में यूज़ करता हूँ, तो इसको हम लोग जो है प्री वेडिंग में अभी मेरे फोरग्राउंड में यूज़ करने वाले। उसके बाद और एक क्रिस्टल है मेरे पास जो पिंक कलर में, तो कुल मिला के पिंक कलर में। और ये इन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग शूट करने वाले। तो आइए दोस्तों शूट शुरू करते हैं। यस मैम, रेडी? लाओ लाइट थोड़ी नहीं लाओ। फिलहाल मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ, मैनुअल मोड में मैंने रख दिया और मेरा जो सेटिंग है फिलहाल मैं विदाउट क्रिस्टल 2 से 3 शॉट्स ले रहा हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे फेस पर लाइट आ रही है। यस नाइस, ग्रेट। लाइट ऑफ करते हैं बेटा, नीचे दिन आवाज होती है। यस नाइस, यस नाइस। स्माइल वाला, स्माइल वाला फेस इट्स ऑफ लाइट। यस नाइस, गुड 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 गुड। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो कुछ शॉट्स में यहाँ पे अभी LED पे शॉट बना रहा हूँ। अब इसमें चलिए कुछ शॉट्स मैंने बनाए और जिसके लिए मैं मिला हूँ आपसे वो है ये क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के माध्यम से हम लोग कैसे कैसे शॉट बना सकते हैं, तो अगर आप मैं आपको इमेजेस के साथ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो मेरा जो कैमरा है उसके अंदर, मैं कैमरे को आगे लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पूरा फ्रेमिंग मिले, पूरा फ्रेम आपको प्रॉपरली मिलता रहे। यस नाइस, और ये मेरा कैमरा। यस नाइस, आप देख सकते हो मेरा फ्रेम। गुड, क्रिस्टल लाओ अच्छे। यस नाइस, नीचे लाओ नीचे लाओ नीचे लाओ। वाओ, फिर आवे ना थोड़ूक। यस गुड 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 गुड, नीचे लाओ जो थोड़ू नीचे लाओ जो नीचे लाओ। यस परफेक्ट, यस गुड। अब देख सकते हो क्रिस्टल के कारण कितनी अच्छी इमेजेस मुझे मिल रही है। वाओ, यस सहज ऊपर ले, बहुत नीचे जाती हूँ। बस 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 बस। यस नाइस, मुझे रिफ्लेक्शन भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है और पोजिंग भी सर काफ़ी अच्छी मिल रहा है। यस नाइस, ये देखिए पीछे की जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छे से मिल रहा है। बीजू क्रिस्टल है ना, एक ऊपर दिया एक नीचे दिया। यस नाइस सर, आप आवाजो आओ तुम्हें एक बीजू पकड़ो ना आवाजू थी। हाँ यस, एक क्षण है बनने एक लेवल ऊपर ना रखता। यस गुड, इसमें आपको शायद एक दो बंदों की हेल्प चाहिए, ध्यान रखना आप, तो जाके आप शॉट बना सकते हो। मैं उतार वाड़ू नीचे कर दो, अजू नीचे कर। बस यस, थोड़ू लेंस ने नजीक लाए, धीरे धीरे विस्तार से एंटर करो। बस यस गुड, वेरी नाइस, एक्सलेंट। यस नाइस 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 नाइस, मेरे थोड़ा ऊपर करना दारू। यस नाइस नाइस, ये देख सकते हो आप क्रिस्टल के माध्यम से हम लोग कितने अच्छे अच्छे जो है शॉट्स बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आप वीडियो कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल आप वीडियोग्राफर हो और आप सिनेमेटिक शूट करना चाहते हो, तो इस तरह से जो है समझ लो मैंने इस कैमरे को यहाँ पर डाल दिया और मेरे कैमरे को मैं डाल रहा हूँ वीडियो मोड पर। चलिए ये देखिए, मैं अपने फोकस मैंने कर लिया। मैं इनको बोलूँगा मैडम थोड़ा नीचे थी ऊपर जो ना, बराबर। यस 3 2 1 एक्शन। आप देखिए वाओ, ये वीडियो शॉट बन गया। मतलब कुल मिला के आप देख सकते हो कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर से मैम नीचे देख के एक बार कैमरा लुक देख के स्माइल करना। नाइस, ये सारी चीज़ें हो रही है। 3 2 1 एक्शन। ये देखिए वेरी नाइस, एक्सलेंट। ये छोटी 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 टेक्निक्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर इसी को मैं फिर से अपने कैमरे फोटोग्राफी के मोड पे डाल देता हूँ तब भी मैं यही सारे शॉट्स बना सकता हूँ। यस मैम, यस नाइस, वाओ।
Very nice. Yes, good, 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 good. Very nice. चलिए कुछ नया करते हैं. मैं बताऊँ, मैं चाहूँगा कि हम लोग एक जो छोटा सा गिफ्ट है उसको यूज़ करें. अनफ्रेम वाला ये एक एक छोटा सा जो है, हमारा कई बार हम जिसको बोल सकते हैं कीचेन है या ऐसा कुछ है जिसको हम लोग इस तरह से हाथ में रख सकते हैं. और यहाँ पर टॉर्च लाइन आने पर लाइट मारवानी आना भी दे. इसको जैसे ही हम लोग फ्रेम में रखेंगे, इसके ऊपर अगर आप लाइट दे सकते हो, ये देखिए, और मैं फॉरग्राउंड क्रिएट करूँगा. यस नाइस, मुझे पता नहीं. और यस, आपके स्क्रीन में दिख रहा है. यस गुड, आनी पर आनी पड़ा जी. यस नाइस, वेरी नाइस. नाइस नाइस नाइस. मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत अच्छे से ये सब फोटोग्राफी कर सकते हो. इट्स नाइस. वाओ दोस्तों, आपको ये फोटोग्राफी पसंद आ रही है? यस और नो कमेंट में जरूर लिखिए. वाओ यस 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 यस. ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग ने यूज़ किया है. जैसे कि ये एक छोटा सा जो मल्टी कलर का एक किचन जो आ रहा है मार्केट में, इजीली 50-100 रुपये मिल जाता है. ये जो क्रिस्टल वॉल है, ये भी आप देख सकते हो 50-100 रुपये में मार्केट में इजीली मिल जाता है. इसको, इन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग जो है फ्रेम्स बनाते हैं. आप देख सकते हो. यस गुड, वाओ यस गुड. फिर थोड़ा लेफ्ट कर लाइट रहा ना, बस थोड़ा ऊपर 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 ऊपर. यस 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 यस. It's nice. Sit in the lounge, you outside chair. Yes, wow. Wow. Yes, good, 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 good. मतलब यहाँ पर जो lights use हुई है वो है Godox की LC500, दो lights है. और उसके अलावा एक M1 light है. मतलब कि तीन LED lights है. मगर बहुत अलग है, तीन LED lights है. उसमें हम लोग ने ये पूरा shoot कर रहे हैं. तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि छोटा सा सेटअप है, कुछ भी नहीं है. बेसिकली आप देख सकते हो तीन लाइट्स है, उस LEDs को यूज़ करके हम लोग इसको बना रहे हैं. मैं चाहूँगा कि मैं हम दूसरी मॉडल को भी बुला लें. मैडम पहले दूसरी मॉडल को बुलाओ. दोस्तों इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो, इसमें कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप. कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप. इसको वैसे ही अगर नॉर्मल भी शॉर्ट बनाओगे तब कि आपके फोटो जो है बहुत शानदार बनेंगे. इट्स नाइस, इट्स नाइस. आ जाओ मैडम, आप उसके पीछे बैठ जाओ साथ में. आप उनके साथ पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ. फोटो ही ले रहे हैं हम लोग. इट्स नाइस, गुड. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो मॉडल्स हैं. मतलब कि मैं यहाँ पर फोकस भी फोकस का गेम कर सकता हूँ. और मैं कुछ शॉट्स ऐसे बनाऊंगा जिसमें आगे वाले मॉडल फोकस में आ जाए, कुछ शॉट्स ऐसे बनाऊंगा जिसमें पीछे वाले मॉडल फोकस में आ जाए. तो लेट्स सी. चलिए आप देख सकते हो यहाँ पर आना ही है पर्श लाइन. कैमरा में देखा है वो भी कर पर्श लाइन वाली पर्श. आई होप कि आप लोगों को दिखता होगा. मैडम आप अंदर आ सकते हो. अंदर सर, गुड गुड. मुझे यहाँ पर फोकस पॉइंट से खेलना होगा. यहाँ से देखो दोस्तों, फंक्शन में जाके मैं ऑल नहीं रखता और मैं सिलेक्ट यू फोकस पॉइंट, जिससे कि मैं अपने फोकस पॉइंट से खेल सकूं. जैसे कि मुझे अगर पीछे फोकस करना है, इट्स नाइस. मैं पीछे इसी का आपका पोज है. इट्स नाइस, गुड 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 गुड. इसको मैं और अगर पास ले जाऊं, निविता लाइट के सामने देखो, लाइट के सामने ध्यान से देखना दोस्तों. इस तरह से काफी सारे शॉट्स आजकल पॉपुलर हुए. इसी का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ. इट्स गुड 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 गुड. ऐसे शॉट्स आजकल काफी सारे पॉपुलर हो गए.
जिसमें सब लोग दुल्हन या दूल्हे के लिए ऑर्नामेंट्स दिखे नहीं आपको ये इतना मोटा 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 लुक डाउन यस नाइस नाउ लुक अप यस गुड तो इस तरह से जो है हम शॉट बना सकते हैं आप हल्का सा पास आ सकते हो थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हूँ यस गुड और हाइट भी दीजिए थोड़ी हल्की सी तो मैं कुछ शॉट्स इस तरह से बना रहा हूँ जिसमें यस गुड गुड क्लोज योर आइज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल के मैं अपने कैमरे से प्ले करता हूँ ताकि आपको पता चले पाछड़ लाइट बंद कर दे तारी लाइट बंद कर दो बनने पाछड़ वाला बनने लाइट बंद कर दो यस ये आप देख सकते हो किस तरह से ये जो है शॉट मैंने यूज़ किए है कैप्चर किए है यस ये 85mm का लेंस है और हाँ RGB है ये LC500 लाइट है ये देखिए आप इस तरह से ब्राइड एंड ग्रूम को भी यूज़ कर सकते हो दो मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो दो सिस्टर्स को वेडिंग के अंदर आप इस तरह से कैप्चर कर सकते हो मतलब बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे कि आप क्रिएटिव हालांकि ये शॉट्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है दो या तीन शॉट है तो ठीक है उससे ज़्यादा पसंद नहीं होते बट फिर भी आप कुछ क्रिएटिविटी इस तरह से कर सकते हो ये 100 ISO पे मैंने शूट किया ज़्यादातर ये क्रिस्टल बॉल से जब मैंने शॉट बनाए थे ये वो शॉट्स है तो क्रिस्टल बॉल के माध्यम से भी आप कुछ हद तक इस तरह से कुछ क्रिएटिव शॉट्स बना सकते हो वाओ ये कुछ वीडियो शॉट्स मैंने लिए थे यस नाइस ये देखिए आप या 85mm 1.8 है 1.4 नहीं है ये 1.8 है बाटीस का है आप देख सकते हो यहाँ पर बैटरीज और सोनी का M3 का बॉडी है नॉर्मल सा कैमरा है ओके और किसी को कुछ क्वेश्चन है कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो हेयर लाइट के लिए मैंने M1 लाइट दिया हेयर लाइट के लिए जो लाइट यूज किया है वो M1 है चलिए दोस्तों हम लोग कुछ है ना इसको वीडियो के फॉर्म में लेते हैं और इसको हम लोग अलग तरीके से शूट करते हैं यस मैम खड़े हो जाइए मॉडल्स को मैं कहूंगा कि वो खड़े हो जाए दोस्तों हम लोग जो है दो मॉडल्स के साथ कुछ वीडियोस बना रहे हैं लाइट आप और एक लाइट यहाँ पर है मैं चाहता हूँ कि चलिए इसको कुछ प्ले किया जाए किसी सॉन्ग के साथ प्ले किया जाए तो मैं यहाँ पर एक वॉल है उसको मैं यूटिलाइज करना चाहूंगा तो आने तैयार ले लो मैम यहाँ पे आ जाओ लाइट ऑन जी आराम से कोई दिक्कत नहीं टेक योर टाइम ओके तो आप जाइए सारी लाइट में फिलहाल भेजने पड़ेगा सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर मेरे पास फिलहाल सॉरी मेरे पास दो लाइट्स है एक लाइट मैंने टॉप से दिया है जो मेरा यहाँ का जो है सेलिंग का लाइट है वो मैं यूज कर रहा हूँ मैडम सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ वो अभी बजाया था वो वाला है और इस पर मैं कुछ वीडियो शॉट बना रहा हूँ अब लुक आपको दिख रहा है कि जो डार्क सॉन्ग है वही पे है सॉरी डार्क बैकग्राउंड है और डार्क बैकग्राउंड के ऊपर जो मॉडल्स है वो यहाँ पर खड़ी है इस पर हम लोग जो है वीडियो शूट करेंगे तो देखते क्या शूट आएगा दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या फील आएगी यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या फील आएगी तो मेरे को पासवर्ड खसून फ्रेम मारे एक मिनट ओके मैं थोड़ा सा आपको फ्रेमिंग करके देता हूँ ताकि आपको देखने में भी आसानी हो जाए और यस नाइस ये मेरी मॉडल्स जो है रेडी है और एक शॉट
मैंने मॉडल्स के ऊपर एक लाइट जो है थोड़ी सी बढ़ा दी, बैकग्राउंड जो है ब्लू और एक साइड से रेड, और अजीब जो होता है बैकग्राउंड आपको रेड कर दे। ओके नाउ टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स। यस, एक में मैंने पूरा ब्लैकआउट यूज किया था, यहां पर जो है ग्रे बैकग्राउंड है, आप देख सकते हो ग्रे बैकग्राउंड है और यहां पे शुरू हो रहा है। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो कि मैं कौन सा कैमरा यूज कर रहा हूं, या कोई भी आपको इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। चलिए हम लोग जो है इसको म्यूजिक को बढ़ाते हैं। यस, 3 2 1। अब देख सकते हो मैंने जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक दिया थोड़ा पोजिंग में भी अच्छा लगने लग गया, और अब देख सकते हो मैंने अभी कैमरे को जो है मैं वीडियो मोड में डाल रहा हूं। पिक्चर्स भी ले सकते हो। यस नाइस, क्लोज 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 क्लोज, थोड़ा सा क्लोज हो जाओ। यस गुड, वेरी नाइस। अब आप वैसे रुकना, अब देखो मैं यहां से लाइट को शिफ्ट भी कर सकते हो, फिर बैकग्राउंड पे ले जाओ। ध्यान बैकग्राउंड पे रखना है आपको कि बैकग्राउंड जो है प्रॉपर आना चाहिए। ओके, तो ये कुछ शॉट्स था जिसमें हमारे साथ जो है निविदिता है, जो हमारी मॉडल है आज, और हमारे साथ ईशा है, मतलब ये दोनों की हेल्प की मदद से हमको इतना अच्छा कर पाए, और हमारे मेकअप आर्टिस्ट मैम प्लीज कम। यस, मास्क थोड़ा सा निकल के आइए, जो मेकअप आर्टिस्ट है जिनके माध्यम से ये पूरा जो है शूट हम लोग कर पाए। तो इसके अलावा मेरी जो पूरी टीम है, निर्मल, ध्रुव, मयूर, दिनेश जी, ये सारी हमारी पूरी टीम है दोस्तों। ये आपको लगता है कि आसानी से हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली देखने जाओ तो ये पूरा टीम वर्क है। हम लोग, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी पूरी टीम की मदद से हम लोग ये सारा पूरा शूट कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहूंगा इन सब लोगों को दोस्तों, धन्यवाद, बहुत अच्छा शूट किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं, यस और नो? अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो कमेंट, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करना मत भूलना, और साथ में ही लाइक जरूर करो, शेयर करो। अगर आप चाहते हो ये जो मैंने फोटोग्राफ शूट किए, क्या आप लोगों को इमेजेस चाहते हो, आपको फोटोग्राफ चाहिए, यस और नो कमेंट में अभी कभी लिखे ताकि मुझे पता चले कि आपको ये इमेजेस चाहिए। अगर आपको ये इमेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद, उसमें मुझे अपलोड करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अपलोड होने के बाद तुरंत मैं सारे इमेज जो है आपको शेयर कर सकता हूं। लेकिन
इस फोटो का आप क्या करोगे, तो आप अपने एडिट करके इसको इंस्टाग्राम पे लगा सकते हो, अपने फेसबुक पे, अपने स्टूडियो में, कहीं पर भी यूज कर सकते हो। कंडीशन एक है, आपको इंस्टाग्राम पे लगाने के बाद मॉडल्स को टैग करना है, मेकअप आर्टिस्ट मतलब हमारे मैम को टैग करना है, मुझे टैग करना है, शैली एकेडमी को टैग करना है, उसके बाद आप इस फोटोज को अपने पर्सनल प्रोफाइल के यूज कर सकते हो, कमर्शियली मतलब बेचने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। किसी को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस दोस्तों, किसी को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन, एनी कोई भी क्वेश्चन, या फिर रात को 9:30 बजे फिर से हम लोग लाइव में मिलेंगे। दोस्तों मेरा यहाँ पर एकेडमी है जो है शैली एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, जिसमें मैं ज्यादातर जो यहाँ पर शूट मतलब ये जो आज जो हमने देखा एक्चुअल में अपलोड होने के बाद ये जो आप लाइव देख रहे हो उसी का साउंड चेक कर रहे थे। यहाँ पर हमारा एकेडमी में हम लोग फोटोग्राफी सिखाते हैं, सिनेमेटिक सिखाते हैं, वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, सिनेमेटिक एडिटिंग जिसमें शॉर्ट फिल्म, फीचर, हाईलाइट और क्विकी और इंट्रो वीडियो और वेलकम वीडियो, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं। ये वीडियो जो हम लोग यहाँ पर पूरा मॉडल्स के साथ शूट होता है, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर हम लोग मॉडल को हायर करके प्रॉपर मेकअप करके गेट एंड रेडी करके उसके बाद सारी चीजों को सिखाते हैं, मतलब 100% प्रैक्टिकल वे है। जो लोग सिनेमाटोग्राफी सीखना चाहते हैं, फोटोग्राफी खास करके एडवांस फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमारी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर जो है मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से मुझे फॉलो भी कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। धन्यवाद।